प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम 10वीं कक्षा के गणित की प्रश्नावली 8.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हम इन प्रश्नों को हल करने में प्रयोग होने वाले सूत्रों को समझते हैं। इन सूत्रों को समझने के लिए पहले आइए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। तो ये जो सूत्र हैं जो इस प्रश्नावली में प्रयोग होंगे, ये पूरक कोणों से संबंधित त्रिकोणमितीय अनुपात है कि पूरक कोण क्या होते हैं। देखिए कि दो कोण, जैसे कोण ए और कोण बी, अगर इन दोनों का योग 90 डिग्री हो तो कोण ए और बी पूरक कोण कहलाते हैं। तो देखिए कि यदि ए का पूरक कोण निकालना हो तो 90 में से ए माइनस कर देंगे। जैसे ए का पूरक कोण बी है और बी का पूरक कोण ए है, तो यहाँ से अगर बी का मान निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, 90 डिग्री माइनस ए। तो इस तरह से अगर बी का पूरक निकालना हो तो 90 डिग्री माइनस ए, अगर ए का पूरक निकालना हो तो 90 डिग्री माइनस बी हो जाएगा। तो आइए सूत्र तक पहुंचने से पहले एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं कि हमारे पास एक कोण है 30 डिग्री, तो हम यहाँ पर साइन 90 माइनस ए अर्थात 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री कैलकुलेट करते हैं। 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना हो गया, साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू वर्गमूल 3/2। अब हम कोस ए कैलकुलेट करते हैं। कोस ए का मतलब कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, वर्गमूल 3/2। अब ए का मान है 45 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस ए कैलकुलेट करना है यहाँ पर हमें, तो साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। कोस ए कैलकुलेट करें तो कोस 45 डिग्री ये भी कितना है, 1/√2। अब साइन 90 माइनस ए अर्थात 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, और कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री की वैल्यू भी 1/2। तो यहाँ से देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपके सामने आ रही है कि साइन 90 माइनस ए और कोस ए की वैल्यू क्या है, सेम। साइन 90 माइनस ए और कोस ए यहाँ भी सेम, साइन 90 माइनस ए और कोस ए यहाँ भी सेम है। तो यहाँ से हमने एक सूत्र लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस ए हमेशा किसके बराबर होता है, कोस ए के बराबर होता है, जबकि ए क्या है, एक न्यून कोण है, जहां ए एक न्यून कोण है। अब देखिए जैसे साइन 90 माइनस ए कोस ए के बराबर होता है, ठीक उसी तरह से कोस 90 डिग्री माइनस ए साइन ए के बराबर होता है। अगर हम इसे चाहें तो एक त्रिभुज का एग्जाम्पल लेकर के भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये कोण 60 डिग्री है और ये कोण 30 डिग्री है। समकोण त्रिभुज में ये दोनों कोण हमेशा ही क्या होते हैं, पूरक कोण होते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। एक ये 90 हो गया तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तो ये आपस में पूरक कोण ही होंगे। तो यहाँ पर आपको विशेष भुजाएं लेकर के आप यहाँ से भी जैसे साइन 60 और साइन 30 आप कैलकुलेट करके देखें तो आप इन सूत्रों को वेरीफाई कर सकते हैं। तो देखिए
ये हमारे पास पहला सूत्र है, ये दूसरा सूत्र है। अब तीसरा सूत्र है कि टेंजेंट 90 माइनस ए, टेंजेंट 90 माइनस ए कोट ए के बराबर होता है और कोट 90 डिग्री माइनस ए टेंजेंट ए के बराबर होता है। इसी तरह से सेकेंट 90 डिग्री माइनस ए कोसेकेंट ए और कोसेकेंट 90 डिग्री माइनस ए सेकेंट ए के बराबर होता है। तो देखिए इन सूत्रों को याद रखने की एक टेक्निक बताता हूँ कि जहाँ पर भी 90 माइनस ए आए साइन का कोसाइन और कोसाइन का साइन, टेंजेंट का कोटेंजेंट, कोटेंजेंट का टेंजेंट बन जाएगा, सीकेंट का कोसीकेंट और कोसीकेंट का सीकेंट, यानी जिसके आगे को होता है उसका को हट जाएगा और जिसके आगे को नहीं होता उसके साथ को लग जाएगा, साइन कोसाइन, कोस कोस में को है या कोसाइन इसका पूरा नाम है तो को हट जाएगा, सिर्फ साइन रह जाएगा। टेंजेंट में को नहीं है तो को लगा दीजिए, टेंजेंट कोटेंजेंट, और कोटेंजेंट में को हटा दीजिए, टेंजेंट। इसी तरह से सीकेंट के आगे को लगा दीजिए, कोसीकेंट, और कोसीकेंट का को हटा दीजिए। अब इन छह सूत्रों को हम प्रश्नावली 8.3 के प्रश्नों को हल करने में प्रयोग करेंगे। अब प्रश्नावली 8.3 प्रश्न नंबर एक, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर एक में चार भाग हैं और इसमें जो हमने अभी अभी जो सूत्र पढ़े हैं छह, इन सूत्रों का प्रयोग करते हुए इनके मान ज्ञात हमें करने हैं। तो जैसे सबसे पहला जो भाग है साइन 18 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री, तो यहाँ देखिए हमारे पास साइन 18 डिग्री और कोस 72 डिग्री है, तो इसमें सिर्फ एक एंगल आपने चेंज करना है, चाहे ऊपर वाला चेंज कर ले चाहे नीचे वाला चेंज कर ले, सिर्फ एक एंगल चेंज करना है। ध्यान रहे साइन 18 डिग्री का सिर्फ रूप बदलूंगा मैं, 18 को लिखूंगा 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, क्योंकि 90 में से 72 माइनस करेंगे तो 18 डिग्री बचेंगे। नीचे ये सेम टू सेम रखना है, कोई कुछ भी चेंज नहीं करना, कोस 72 डिग्री। अब देखिए ऊपर आप सूत्र लगा दीजिए साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कोस ए होता है, तो ऊपर वाला हो जाएगा कोस 72 डिग्री, नीचे भी क्या है कोस 72 डिग्री, कोस 72 डिग्री से कोस 72 डिग्री कैंसिल, ए कैंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट देखिए, टेंजेंट 26 डिग्री कोट 64 डिग्री। अब आप क्वेश्चन की शक्ल देख के आप पहचान लेंगे कि 8.3 प्रश्नावली का क्वेश्चन है और इन्हें इन सूत्रों से करना है, पूरक कोण वाले सूत्रों से करना है। देखिए यहाँ टेन टेंजेंट है, ये कोटेंजेंट है, 26 प्लस 64 90 होता है, 90 होता है। तो इन क्वेश्चन को हल करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ क्या करना आपने, एक एंगल का रूप बदलना है, इसको 90 माइनस समथिंग में लिखना है, 26 को 90 माइनस 64 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 64 घटाएंगे 26 ही बचेंगे, नीचे है कोट 64 डिग्री। अब टेंजेंट 90 माइनस ए, टेंजेंट 90 माइनस ए क्या होता है, कोट ए होता है, तो ऊपर कोट 64 डिग्री बनेगा, नीचे भी क्या है कोट 64 डिग्री है, कोट 64 डिग्री से कोट 64 डिग्री कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा एक, यही आंसर है। अब आगे थर्ड पार्ट है कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो यहाँ कोस साइन 48 प्लस 42 90, तो सूत्र इन्हीं का प्रयोग होगा और चेंज सिर्फ एक एंगल का रूप करेंगे, कोस
90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, क्योंकि 90 में से 42 घटाएंगे 48 बचेगा, माइनस साइन 42 डिग्री। यहाँ सूत्र लगा दीजिए, कोस 90 माइनस ए साइन ए, यानी साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, और ये हो जाएगा जीरो। अब देखिए यहाँ आप चाहें तो कारण भी दे सकते हैं, क्योंकि कोस 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है, साइन ए। इन सभी पार्ट में ऐसे जहाँ पर भी आपने सूत्र अप्लाई किया वहाँ लग लिख दीजिए, क्योंकि टेंजेंट 90 माइनस ए बराबर कोट ए। इसी तरह से आप फर्स्ट पार्ट में भी इसको लिख दीजिए, ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि बच्चे को फार्मूला भी आता है। आगे कोसेकेंट 31 माइनस सेकेंट 59, तो यहाँ देखिए 31 और 59 दोनों का जोड़ जो है 90 होता है, ये कोसेकेंट और ये सेकेंट, फार्मूला यही लगेगा कि यहाँ से पेयर देख ले, कोसेकेंट सेकेंट का है, सेकेंट कोसेकेंट का। इसी तरह टेन कोट कोट टेन, कोस साइन साइन कोस, अगर इस तरह से पेयर में हो और जो गिवन एंगल है उनमें कहीं टोटल 90 बैठता हो, तो इसका मतलब पूरक कोण वाले फार्मूले ही लगेंगे। अब देखिए आगे कोसेकेंट 31 को मैं लिखूँगा 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री माइनस सेकेंट 59 डिग्री, कोसेकेंट 90 माइनस थीटा, कोसेकेंट 90 माइनस ए क्या होता है, सेकेंट ए होता है। अब सेकेंट 59 माइनस सेकेंट 59 क्या आ जाएगा, जीरो, जीरो आंसर आ जाएगा इसका। अब सेकेंड क्वेश्चन, दिखाइए कि टेंजेंट 48 माइनस 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री, 10 67 डिग्री बराबर एक है। तो देखिए यहाँ पर 48 प्लस 42 90 होता है, 23 प्लस 67 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पर टेंजेंट 48 को मैं लिख देता हूँ 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, और इसमें टेंजेंट 23 को मैं लिख देता हूँ 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। आगे वाले चेंज नहीं करूँगा, ऐसे ऐसे लिखूँगा टेंजेंट 42 डिग्री और टेंजेंट 67 डिग्री, ये मैंने लिया लेफ्ट हैंड साइड। अब टेंजेंट 90 माइनस थीटा या टेंजेंट 90 माइनस ए कोट ए, यानी ये कोट 42 डिग्री होगा, और इसी तरह से ये भी कोट 67 डिग्री होगा। आगे टेंजेंट 42 डिग्री और टेंजेंट 67 डिग्री, यहाँ पर बता दीजिए, क्योंकि टेंजेंट 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है, कोट ए होता है। अब कोट 42 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ ए कोट ए टेंजेंट 42 डिग्री, और कोट 67 को मैं लिख सकता हूँ ए कोट ए टेंजेंट 67 डिग्री इंटू टेंजेंट 42 डिग्री और टेंजेंट 67 डिग्री। टेंजेंट 42 से टेंजेंट 42 कैंसिल, टेंजेंट 67 से टेंजेंट 67 कैंसिल, और ये बचेगा एक, जो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। इसी तरह से इसके सेकंड पार्ट को हम सोल्व करते हैं, कोस 38 डिग्री कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री बराबर जीरो। अब यहाँ कोस 38 डिग्री को मैं कह देता हूँ 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, क्योंकि 90 में से 52 माइनस करेंगे 38 बचेंगे, और कोस 52 डिग्री को मैं चेंज नहीं करता। इसी तरह से माइनस साइन 38 को मैं लिखूँगा 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, और साथ में क्या है, साइन 52 डिग्री।
देखिए कोस 90 माइनस ए साइन ए, साइन बाउंड डिग्री इंटू कोस बाउंड डिग्री। अब ये वाला माइनस साइन 90 माइनस ए कोस ए इंटू साइन बाउंड डिग्री इसमें है। अब देखिए ये साइन बावन इंटू कोस, साइन बावन डिग्री इंटू कोस बावन, और ये भी साइन बावन इंटू कोस बावन है, तो ये एक जैसे फैक्टर माइनस हो रहे हैं, तो क्या बचेगा जीरो, जो किसके बराबर है राइट हैंड साइड के बराबर, और यहाँ पर आप क्या ले करके चले थे लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हैंड स्प्रूट। तो देखिए जिन दो एंगल्स का टोटल यहाँ पर 90 हो उनमें से एक एंगल को 90 माइनस ए के रूप में लिख दीजिए, बस फिर फार्मूला लगाना है उसमें। आगे प्रश्न नंबर 3, यदि टेंजेंट टू ए बराबर कोट ए माइनस 18 डिग्री है जहाँ दो ए एक न्यून कोण है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कि टेंजेंट टू ए, टेंजेंट टू ए बराबर आपको दिया हुआ है कोट ए माइनस 18 डिग्री। तो देखिए ये क्वेश्चन प्रश्न नंबर 1 और 2 से थोड़ा सा अलग है। यहाँ सूत्र देखिए उल्टा लगाएंगे हम, टेंजेंट ए बराबर क्या होता है कोट 90 माइनस ए, तो यहाँ देखिए तो टेंजेंट टू ए को मैं लिखूँगा कोट 90 डिग्री माइनस 2a, ओके राइट हैंड साइड में ऐसे कैसे रखूँ कोट a माइनस 18 डिग्री। तो पहले दो सम में तो हमने एंगल को चेंज करके और फिर फार्मूला लगाया था, इसमें रिवर्स फार्मूला लगाया है टेंजेंट a बराबर कोट 90 माइनस a करके, क्योंकि हम कोट a को कोट a के बराबर रखना चाहते हैं ताकि एंगल को हम इक्वल रख करके एक इक्वेशन बना सके, वहाँ से ए की वैल्यू ज्ञात कर सकें। तो देखिए यहाँ कोट 90 माइनस 2 ए बराबर कोट ए माइनस 18 है, तो इसका मतलब 90 डिग्री माइनस 2 ए बराबर ए माइनस 18 डिग्री। अब ये 18 इस साइड ले आए, 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री बराबर ए प्लस 2 ए अर्थात 3 ए बराबर 108 डिग्री, और ए बराबर 108 डिग्री बटे 3, कट करेंगे तो आएगा 36, तो यहाँ से ए बराबर कितना आ गया 36 डिग्री आ गया। अब फोर्थ सम देखिए, यदि टेंजेंट ए बराबर कोट बी तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो इसमें भी सेम टू सेम ऊपर की तरह से रिवर्स फार्मूला लगाएंगे कि टेंजेंट ए को मैं कह सकता हूँ, जैसे टेंजेंट ए बराबर क्या दिया हुआ है कोट बी, तो टेंजेंट ए को मैं लिखूँगा कोट 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोट बी, तो यहाँ से 90 डिग्री माइनस ए बराबर बी, ए को राइट में ले जाइए, 90 डिग्री बराबर ए प्लस बी अर्थात ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, हैंड्स प्रूफ। प्रश्न नंबर 5, यदि सीकेंट 4a बराबर कोसेकेंट a माइनस 20 डिग्री जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ सीकेंट कोसेकेंट 90 माइनस a क्या होता है सीकेंट a होता है, तो सीकेंट a बराबर कोसेकेंट 90 माइनस a रिवर्स अप्लाई करते हैं इसमें, तो सिकेंट
फोर ए बराबर कोसिकेंट ए माइनस 20 डिग्री है। सिकेंट 4a को मैं कह देता हूँ कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस 4a उल्टा बराबर कोसिकेंट ए माइनस 20 डिग्री। यहाँ पर कारण भी दे दीजिए क्योंकि सिकेंट a बराबर कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस a होता है। अब यहाँ से 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री, 20 डिग्री लेफ्ट में ले, ये 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री बराबर a प्लस 4a, 90 प्लस 20 110 डिग्री बराबर 5a, तो यहाँ से a बराबर 110 डिग्री बटे 5। 110 को हम 5 से भाग देंगे तो ये आएगा 22 डिग्री, तो a बराबर 22 डिग्री जो है वो आंसर आ जाएगा। अब सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कोस ए बाई 2। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि क्योंकि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है इसलिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री ही होता है। अब बी प्लस सी होगा 180 डिग्री माइनस ए, और अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है साइन बी प्लस सी बाई 2, तो साइन बी प्लस सी की वैल्यू रख देते हैं 180 माइनस ए बाई 2, ये है। अब देखिए इसको हम अलग अलग डिवाइड करेंगे, साइन 180 बटे 2 तो हो गया 90 डिग्री माइनस ए बटे 2, तो देखिए ये एलसीएम से जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। जैसे हम एलसीएम लेकर के, जैसे मान लीजिए ये दिया हो तो एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं ऐसे आ जाता है, और यहाँ पर हम अलग अलग डिवाइड करेंगे तो वापस ये ऐसा बन जाएगा। अब साइन 90 माइनस ए बाई 2 क्या होगा, कोस ए बाई 2 जो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर। इसका कारण दे दीजिए कि क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है, कोस ए होता है, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हैंड स्प्रूट। अब सेवन्थ क्वेश्चन है, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, साइन 67 डिग्री को मैं लिखूंगा 90 माइनस प्लस कोस 75 को लिखूंगा मैं 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। अब साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कोस ए, और कोस 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ए। यहाँ पर कारण दे दीजिए क्योंकि साइन 90 माइनस ए कोस ए, और कोस 90 माइनस ए बराबर साइन ए। तो यही चीज़ हमें लिखनी थी कि 0 और 45 के बीच में है ये एंगल 23 और 25, तो बड़ा ही सिंपल सम है। इसी तरह से जो एग्जांपल 11 है आपका, वो भी इसी लाइन पे हो जाएगा।
तो इस एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल आप अपने आप करेंगे। तो इसी के साथ ही एक्सरसाइज समाप्त हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो